देश भर में कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। इसी को देखते हुए कोची में एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी ने अपनी सभी कैब में ड्राइवरों और यात्रियों के लिए ट्रांसपेरेंट पार्टीशन स्थापित किया है। जिला प्रशासन ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सुझाव दिया था, जिसके बाद यात्री और ड्राइवर के सीट के बीच एक कांच की दीवार बनाई गई है। इधर मुरादाबाद में मजदूरों के चेहरे पर खुशी लौटी है। ईंट भट्टों में काम करने वाले ये मजदूर वापस काम पर लौटे, जिसके बाद इनके चेहरे पर खुशी साफ देखी गई। काम तो काफी टाइम में अब जाकर शुरू हुआ है। घर जाने की अब मतलब पहले सोचते थे, अब नहीं सोच रहे हैं। काम चालू हो गया तो काम ही करना चाहते हैं। थोड़ी परेशानी तो हल्की सी आई थी, इतनी नहीं आई थी। हमारे साथ लोगों ने खर्चा 2000 में से खर्चा 1000 रुपए दिया, मतलब परेशान नहीं होने दिया हमारे लोगों ने। ठीक है, एक बार सोचा था घर जाने के लिए, तो टाइम बढ़ाते गए, चलो आज चले जाए कल चले जाए, थोड़ा काम करके ही जाएंगे। अलीगढ़ में नगर निगम प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे रहा है। जी हाँ, यहाँ प्रवासी मजदूरों को एक बार फिर से काम मिला है। अलीगढ़ नगर निगम ने यहाँ प्रवासी मजदूरों की कुछ इस तरीके से मदद की है। ये काम बहुत बढ़िया लग रहा है, कम से कम काम तो मिल रहा है। 45-40 दिन करीब हो गए हमको घर बैठे बैठे। इस लॉकडाउन की वजह से कोई काम धंधा है नहीं है, घर के बाल बच्चे कैसे पलेंगे, मजदूरी है नहीं हमारे पास। सरकार का बहुत बढ़िया कदम है, ऐसा होना चाहिए। इधर इंदौर में कोरोना से ठीक हुए पुलिस कर्मियों का स्वागत उन्हीं के को स्टाफ ने किया है। कोरोना को मात देकर जब ये योद्धा वापस पहुंचे तो इनका स्वागत फूल बरसा कर किया गया। हालांकि कोरोना वायरस के बीच शादियां भी हो रही हैं, लेकिन बेहद ही सादे तरीके से। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस के बीच शादी हुई, लेकिन साधारण तरीके से यहाँ शादी की गई। शादी के दौरान सबसे खास बात ये दिखी कि वरमाला को भी सैनिटाइज किया गया। पूरी तरीके से प्रिकॉशन लिया है हम लोगों ने, बाकायदा सैनिटाइजर का यूज़ किया है हाथों में, और साथ ही साथ जो माले वगैरह हैं वो भी सैनिटाइज किए हैं, और मास्क वगैरह, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा सब कैप ऐप लगा रखी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।